What is the actual profile where you can shoot it? Correct? You all are fresh graduates? Yes. Just giving your exam, waiting for your results, yes. Without KT. Yeah? Without KT, right? Otherwise, there is no point. You cannot be called yourself graduate if you have KT. You are okay with my communication in English or you want me to talk in Hindi? Hindi better? Hai? Yes. So, I Hindi mein baat kar. Yes. अदरवाइज मैं चला जाता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को मेरी भाषा समझ में आती है। सिक्योरिटी प्रोफाइल और की एटीएम प्रोफाइल और की ब्रांच मैनेजर प्रोफाइल और भी बैंक वाइड, सो यू आर ह्यूर फॉर दिस प्रोफाइल बैंक, सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट माय प्रोफाइल इज अ वैल्यू मैन फॉर व्हिच आई एम अप्लाइंग। इफ यू गेट सिलेक्टेड यू कैन कॉल योरसेल्फ अ वैल्यू मैन। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू मैन कौन होता है, है ना, कौन होता है वैल्यू मैन। आप ब्रांच किए होंगे, कभी किया होगा कभी नहीं, तो जो काउंटर्स होते हैं, कैशियर होता है, एक चेक क्लियरिंग के लिए बैठता है, मैन इनपुट डेस्क होता है, राइट। और जो काउंटर्स होते हैं वहां पे जो बैंकर्स बैठते हैं दे आर वैल्यू बैंकर्स, अंडरस्टूड। सो दे आर दी फर्स्ट पर्सन और द फर्स्ट आई वुड से द एम्प्लॉई इन बिटवीन कस्टमर्स। योर जॉब इज टू हैंडल रिस्पॉन्सिबल पोजिशन। बहुत लोग कस्टमर का पैसा है मेरे पास आ रहा है, थोड़ा सा एक भी ऊपर नीचे हो गया प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का पैसा किसी के अकाउंट में अगर मेरे डिपॉजिट गलती से करते हैं, इसको भी इशू, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड टास्क ऑफ अपनी बुक कीपिंग, अभी नहीं पता कितने लोगों को याद होगा, लेकिन एग्जाम खत्म हो गया, आई डोंट की मैंने क्या लिखा था, अभी फिर से वो एग्जाम में लिख के प्रिपरेशन, तो आई डोंट नो कितने लोग ठीक तरह से लिख पाएंगे। Because we believe in two concepts. 10th का एग्जाम के बाद कितने लोगों को बताते हैं कि आदमी जाने के बाद जिनकी जो अपर कितने बिल को नहीं बदलने जाएंगे, नॉट पॉसिबल। सो द प्रैक्टिकल इज कि इंडस्ट्री करिकुलम एंड एजुकेशन इज डिफरेंट। तो ये सारे अलग अलग अकाउंट्स के फंक्शन होते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड भी, अगर किसी को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो सबको एक तरह का लिमिट के ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है। You have to understand the customer portfolio, customer's requirement, in the bank. And that bank will guide you for the only and only selected students. Okay? I'll explain the selection criteria in our program. But, पहले मैं आपको profile understand करवा रहा हूँ। Profile understand करने के बाद training होगी, जो selected बच्चों की होगी training 40 days की होगी या 45 days की होगी। From home होगी, every day 5 आएगी। ब्रांच में आपको 3 महीने पहले सीनियर ऑफिसर ग्रुप, सीनियर ऑफिसर ग्रेड, और हम सीनियर ऑफिसर क्यों कह रहे हैं उसकी पिछली लॉजिक, यू नो व्हाट इज प्रोफेशन, इट इज प्रोफेशनल टू एक्सपर्ट्स, डॉक्टर इज प्रोफेशनल, टीचर सर प्रोफेशनल, उनको जो एक्सपर्टीज है। गुजरात में मेरे पास 134 पीपल एज ए गुजरात स्टेट, उसमें वेरिएशन होंगे, लोकेशन होंगे, विच माइंड बी डिस्कस, बट येस देर इज नो शॉर्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट। वाई आप पूछिए कि आईसीआईसीआई बैंक को इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है, इज लॉजिक क्या है? आईसीआईसीआई एंड करंटली आईसीआईसीआई की जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, इज 87,000 एम्प्लॉयज करंटली वर्किंग इन आईसीआईसीआई। एक ब्रांच में 7 से 8 लोग होते हैं, बड़ी ब्रांच में 10 लोग होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आईसीआईसीआई टावर्स जहाँ जहाँ बैक ऑफिस है, हेड ऑफिस है, कंट्रोल ऑफिस है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग 87,000। मैथमेटिक्स सबको आता है, 10% ऑफ 87,000, 8,700, दैट इज देयर पर ईयर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर साल 10% अट्रिशन होगा। अट्रिशन इन पीपल आर लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ग्रोथ और मे बी इमरजेंसी व्हाटएवर। सो 8,700 इज देयर